जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अभी इस समय एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है विधानसभा की भर्ती को लेकर के। काफ़ी समय से जो ग्रेड 3 की भर्ती थी वो पेंडिंग थी, और अभी हाल ही में जो असिस्टेंट मार्शल है, सहायक मार्शल है, उसके लिए भी फिजिकल लिए गए हैं। तो जो लोग फिजिकल पास हो चुके हैं उन लोग के लिए एडमिट कार्ड भी आ गया है वेबसाइट में, आप लोग जाएँ के वहाँ पर चेक करेंगे। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, जो लोगों ने बहुत समय पहले, लगभग 2 साल पहले ग्रेड 3 का फॉर्म डाला था, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जब विधानसभा का वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोग को सीधी भर्ती का कॉलम मिल जाएगा, और इस कॉलम में आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी के संदर्भ में यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा रायपुर में, भिलाई में, दुर्ग में एवं बिलासपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में 9 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के मध्य आपकी ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। और इसके लिए आपको ये आपको एडमिट कार्ड जो है विधानसभा सचिवालय की जो वेबसाइट है उसमें 27 नवंबर से 11 बजे मतलब दोपहर से डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो अगला खुलेगा, मतलब इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में ग्रेड 3 पर सीधी भर्ती के लिए पूरा निर्देश दिया गया है, और नीचे में जो सहायक मार्शल के पद पर भर्ती चल रही है उसके लिए भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर जो रेड कलर में फ्लैश हो रहा है उसको देखिए आप, वहाँ पर आप लोग का प्रवेश पत्र मिल जाएगा जो सहायक मार्शल के लिए फॉर्म डाले हुए हैं, और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए फॉर्म डाले थे लगभग 2000, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 19 के आसपास का फॉर्म आया था, तो उस समय जो फॉर्म डाले थे उन लोग का यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा। और अभी आज की डेट बात करूँ तो अभी की डेट 24 नवंबर हो गई है, मतलब आपको लगभग 20 दिन का भी समय इसमें नहीं दिया गया है और 27 तारीख से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है विधानसभा की भर्ती को लेकर के। सहायक मार्शल उसका भी एग्ज़ाम होगा, और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम शायद लिया जाएगा साथ में ही। सहायक मार्शल की आप लोग को डेट देखना पड़ेगा, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, विधानसभा से भर्ती संबंधित ये न्यूज़ थी, और आप लोग देखिए जिन लोग फॉर्म डाले हुए हैं जाकर के इसको चेक करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।